तो हेलो साथियों, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटर में। तो साथियों, जैसा कि थंबनेल देख रहे होंगे, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं UPSC लेखपाल भर्ती के बारे में। तो साथियों, जैसा कि थंबनेल देख लिया होगा, जैसे कि आपको पता है, कल लखनऊ बेंच में सुनवाई है और वहाँ पर 4 प्रश्नों को चैलेंज किया गया है। ठीक है, हालांकि पहले 7 प्रश्न थे, उसमें से आप जो 3 प्रश्नों को हटा दिया है, वो जलावाले का डिसीजन आ चुका है, और 2 प्रश्नों को पहले 19573 19574 को डिसमिस कर दिया है। तो इसी पर हम बात करने वाले हैं। और अभी देखो, आपको दादू बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट अभी भी आ रहे हैं कट ऑफ को लेकर। ठीक है, हालांकि आपको दादू उनके लिए मैं कट ऑफ बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। ठीक है, रिजल्ट पर ही हम चर्चा करेंगे। और आपको दादू बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में अब ये जो प्रश्न उठ रहा है कि जैसा कि आपने देखा होगा, आपको बता दूं, मैंने काफ़ी समय से कोई कट ऑफ की वीडियो नहीं बनाई है, मगर आपने देखा होगा अभी जो कट ऑफ पर वीडियो देखने को मिल रही है, आपको लगातार मिल रही है, क्योंकि जब से जो उज्ज्वला वाले प्रश्न पर आने के बाद उन्हें लग रहा है कि यहाँ पर कट ऑफ में अंतर देखने को मिल सकता है। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, यानी कट ऑफ में जो मैं बता रहा हूँ, कट ऑफ वगैरह उतनी सटीकता से रही, आप देख लेना। ठीक है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, हालांकि कुछ अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं कट ऑफ वगैरह बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा। उससे पहले लखनऊ बेंच पर हम चर्चा करेंगे, जैसा कि आपको बताया 4 प्रश्न को, अब जो कौन कौन से प्रश्न है उसे हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रश्न है हमारा है, यानी कि जो बच्चों का प्रश्न उठ रहा है कि NH वाले पर, जैसा कि बच्चों का कहना है कि जो उज्ज्वला वाले में हुआ वो यहाँ पर भी हो जाए, क्योंकि अभ्यर्थियों का मानना है इसमें सी राइट आंसर होगा, मगर आयोग ने नन ऑफ डी लगाया है। ठीक है, तो यहाँ बच्चों का कहना है कि इसमें भी सी और डी होना चाहिए, जिस प्रकार से उज्ज्वला वाले को, मतलब हालांकि उज्ज्वला वाला भी लखनऊ बेंच में था। ठीक है, तो उसे अब हटा दिया गया, क्योंकि उस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में डिसीजन आ चुका है। मगर आपको बता दूँ, ये प्रश्न है, तो बच्चों का कहना है कि यहाँ पर सी और डी यहाँ पर भी होना चाहिए। और यही दूसरा प्रश्न देखते हैं, ये GS का प्रश्न है यहाँ पर, यानी कि जो देख सकते हो नोडल विभाग आजीविका राष्ट्रीय जो आजीविका मिशन को संभालता है, तो यहाँ पर मतलब क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, तो इसमें आयोग का कहना ये। ठीक है, तो लगभग ये प्रश्न है, तो जो इसका राइट आंसर जो विभाग ने बताया, और वो प्रश्न वगैरह दिखा रहा हूँ यहाँ पर, 3 नंबर प्रश्न देख सकते, हरी मोहन को रुपये देता है, तो आयोग ने माना संप्रदान कारक, मगर बच्चों का कहना है इसमें कर्म कारक होना चाहिए। और यही बात करने वाले लास्ट प्रश्न, आयोग शब्द का अनेकार थी। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों का कहना है इसमें ए और बी दोनों होंगे, मगर आयोग का कहना है सिर्फ बी इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न है जो कल इन पर सुनवाई होगी, और उसका सब कुछ दिखाने वाले हैं। ठीक है, और उसका सीरियल नंबर मिल ही चुका है। ठीक है, और देख सकते हो यहाँ पर सीरियल नंबर जारी हो चुका है। ठीक है, और सीरियल नंबर आपको 5 से 6 मिल चुका है। हालांकि आपको बता दूं, लखनऊ बेंच में कोई भी सुनवाई नहीं हो पा रही है, जो भी मतलब लगाया जा रहा है, हालांकि 9 तारीख को जो 2 प्रश्नों को डिसमिस किया गया था, उसके बाद शायद मुझे नहीं लगता है यानी कि सुनवाई हुई है। ठीक है, यानी कि पास ओवर ही कर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो, यानी कि 5 से 6 मिल गया है। ठीक है, और ये कोर्ट नंबर 5 में, तो इसे भी दिखाने वाले हैं, तो विवेक चौधरी जी की। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो पिछली बार भी, ठीक है, यानी कि जो 16 तारीख को यहाँ पर पास ओवर किया गया था, और कल भी बहुत कुछ बहुत कम उम्मीद है कि कल जो सुनवाई हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाने वाले हैं यहाँ पर, जो ऑनरेबल जस्टिस विवेक चौधरी है। ठीक है, तो यानी कि कोर्ट नंबर 5 में है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो कल 23 तारीख को, ये मैंने कॉज लिस्ट डाउनलोड की यहाँ पर, और जो ये मैंने आपको दिखाने के लिए डाउनलोड किया, मगर आपको बता दूँ आपका यहाँ पर है, तो जो आपकी रेट है तीनों, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर, यानी कि 506 सीरियल नंबर आपका मिल गया होगा, 506 जो रिट है आपकी, 7/6 जो केस नंबर है, 7/6663 और 7/913 और 1/99। ठीक है, तो ये तीनों देख सकते हो, ये कल यानी कि जो कल सुनवाई होनी है 506 सीरियल नंबर पर। ठीक है, आपको मैंने बता दिया यहाँ पर 4 प्रश्नों को चैलेंज किया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, और मुझे नहीं लगता है आपने आपको किसी ने ऐसे दिखाया होगा, जो कुछ भी आपको बता दूँ, जो कुछ भी चैनल के माध्यम से दिया जाता है वो विद प्रूफ दिखाया जाता है, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और इस चैनल पर आप विश्वास कर सकते हो अच्छी तरीके से। और यही हम बात करने वाले हैं अब कट ऑफ को लेकर, क्योंकि जो मैंने आपको बता दिया, जो लखनऊ बेंच में देखो कल सुनवाई है, और कल अगर सारी चीज़ सही रही, और वैसे तो बहुत कम चांस है कल सुनवाई हो पाएगी। ठीक है, और बहुत कम चांस है सुनवाई हो, मगर सुनवाई वगैरह हो जाती है कल, तो फिर आपको दादू अंतिम सुनवाई भी हो सकती है, फिर रिजल्ट के बारे में बात करते हैं, उसके बाद कट ऑफ भी बताने वाला हूँ। देखो रिजल्ट के बारे में बात करते हैं, रिजल्ट आपको दादू मार्च में देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर देखो, और फिर आपको दादू मार्च में देखने को नहीं मिलेगा, और ये सारी चीज़ें आपको दादू लखनऊ बेंच पर निर्भर करती हैं। बहुत सारे टीचर को नहीं ये नहीं पता है, उन्हें लग रहा है कि लेखपाल में जो कुछ भी है सब कुछ खत्म हो गया है, वो हम बहुत सारे यूट्यूबर को देख रहे हैं, वो कह रहा है कि मतलब लेखपाल का जो कुछ भी प्रणाम आने वाला सब कुछ कोर्ट से खत्म हो गया, मगर आपको दादू अभी लखनऊ बेंच में बचा हुआ है, यहाँ पर भी लगभग 4 प्रश्न बचे हुए हैं, अभी कुछ भी समाप्त नहीं हुआ है, हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट से जो कुछ भी समाप्त हुआ है, यानी कि वहाँ से मतलब डिस्पोज कर दिया है इसको, मगर लखनऊ बेंच में अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो अभी जब तक इसका फाइनल निर्णय देखने को नहीं मिलेगा, तब तक रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा।
ठीक है। अब आपको बता दूँ चाहे वो कल हो जाए फाइनल, तो यानी कि लगभग मैंने कहा है 15 से 20 तारीख के बीच में देखने को मिल जाएगा। अगर ये मार्च में भी जाता है, अगर डेट वगैरह आगे बढ़ती है, हालांकि आपको बता दूँ क्योंकि होली है और साथ ही यानी कि होली है तो छुट्टी वगैरह होंगी, तो आपको बता दूँ ये फिर अप्रैल में भी जा सकता है रिजल्ट, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर ये सारी चीज़ें कोर्ट पर निर्भर करती है, कोर्ट पर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो फिर रिजल्ट आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। अगर कल सुनवाई हो जाती है तो यानी कि लगभग आपको बता दूँ 15 से 20 तारीख के बीच में रिजल्ट आपको लेखपाल का देखने को मिल जाएगा। अब कट ऑफ को लेकर बच्चों के मन में प्रश्न उठ रहे हैं, क्योंकि कट ऑफ में कई बार बता चुका हूँ, क्योंकि अभ्यर्थी मानते नहीं, बार बार कमेंट करते हैं। देखो मैं आपको बता दूँ, मेरी कट ऑफ, बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं कट ऑफ इतनी नहीं जाएगी जितनी आप बता रहे हो, तो आपको पता है तो फिर कट ऑफ देखते क्यों, ठीक है। मेरा बात देखो, बहुत सारे अभ्यर्थी अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार समझते हैं, उन्हें लगता है कि कट ऑफ इतनी नहीं जाएगी, तो फिर आप कट ऑफ, आपको पता ही है कट ऑफ, फिर कट ऑफ क्यों दिख रहे हो किसी की वीडियो, ठीक है। चाहे मैं बना रहा हूँ, चाहे कोई भी बना रहा हो, ठीक है। तो जो कट ऑफ वगैरह जो बताई जा रही है, आप रिजल्ट दे आना, रिजल्ट आएगा तब देख लेना कट ऑफ वगैरह इतनी रहेगी। हालांकि आपको दादू जो गर्ल्स में एक आध अंतर का देखने को मिल सकता है अंतर, अंतर आपको दादू चाहे मैं जनरल की ओबीसी की जो कुछ भी कट ऑफ बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों की रिक्वेस्ट आ रही थी और बार बार कमेंट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको बता दूँ कट ऑफ बता रहा हूँ। और कट ऑफ वगैरह जैसे कि उजला वाले पर देखो, आपको दादू यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थियों तो डी लगाया नहीं था बीयूसी, तो उससे ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कट ऑफ पर ज्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला है, तो हम बात करने वाले कट ऑफ को लेकर, क्योंकि अभ्यर्थियों को बहुत ज्यादा प्रश्न आ रहे थे कट ऑफ को लेकर। तो सबसे पहले हम बात करने वाले थे वो जनरल की, ठीक है। अगर आपकी जनरल कैटेगरी है, ठीक है, अगर आपकी जनरल कैटेगरी है और आपकी, ठीक है, मेरे पहले भी कहा है यानी कि 76 और 77 के बीच में कट ऑफ रह सकती है, फाइनल की बात कर रहा हूँ। अगर इतने के बीच में तो आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा, फाइनल की बात कर रहा हूँ, ना कि डीवी की बात करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों कमेंट आती है कि सर ये डीवी की थी या फाइनल की, तो आपको दादू फाइनल है और लगभग इतने पर ही रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। आपको दादू उसके बहुत सारे कारण हैं, बार बार मैं रिपीट नहीं करूँगा, पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है, तो आप समझदार हो, लेकिन ठीक है। और आप दोबारा कमेंट नहीं करोगे कट ऑफ को लेकर, चाहे कट ऑफ ये आपको सही लगे या कैसा भी लगे, ठीक है। मैं आपको बता दूँ कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो कट ऑफ वगैरह नहीं बैठते हैं, उनके कम मार्क्स होते हैं, तो फिर वो सोचते हैं कट ऑफ इतनी नहीं जाएगी, इससे ज़्यादा हाई चली जाएगी, तो आपको बता दूँ कट ऑफ वगैरह इतनी रहने वाली है। और जब आपको पता ही है तो कट ऑफ वगैरह की वीडियो वगैरह मत देखा करो, ठीक है। जनरल की बात करें तो इतनी, ओबीसी की बात करते हैं, यहाँ पर ओबीसी की लगभग आपको दादू 74 और 75 के बीच में रह सकती है और इससे नहीं जानी चाहिए ज़्यादा, ठीक है। लगभग इतने पर आपका आसानी से फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो यहीं पर आपको दादू 73 और 74 के बीच में अगर आपके मार्क्स भर रहे हैं तो आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और यहीं बात करते हैं एससी की, देखो आपको दादू एससी की कट ऑफ कम नहीं रहने वाली है, 71 से 72 के बीच में रह सकती है और शायद आपको दादू इससे कम भी जा सकते हैं, मगर इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली एससी की। आपको दादू एक दो मार्क्स कम जा सकती है, मगर इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है। अगर एससी 71 से 72 के बीच में भर रहे हैं तो फिर तो आप आसानी से सिक्योर हो और निश्चिंत रहिए, आपका आसानी सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी की बात करते हैं, एसटी की बात करते हैं लगभग 69 से 70 के बीच में रह सकती है और इससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, एक दो मार्क्स कम जा सकती है मगर इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। और आपको बता दो अगर भर्ती पूरी तरीका से फेयर तरीका से होती है तो कट ऑफ इससे कम देखने को मिलेगी, एक आध दो मार्क्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, यही बात करते हैं फ्रीडम फाइटर की, फ्रीडम फाइटर की बात करते हैं तो 55 56 के बीच में आसानी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और यही बात करते हैं एक्स सर्विसमैन की, जो एक्स सर्विसमैन की मैंने हालांकि पहले भी कहा है, देखो मेरे हिसाब से लगभग 53 से 54 के बीच में रह सकती है और आपको दादू वैसे इससे कम भी जा सकती है एक्स सर्विसमैन की, क्योंकि 50% पर भी रह सकती है, क्योंकि इसमें आप पैट लागू किया गया था तो बहुत सारे एक्स सर्विसमैन इसमें फॉर्म नहीं डाल पाया होगा, क्योंकि पैट वगैरह दिया नहीं होगा, तो कंपनी अच्छी खासी वैकेंसी लगभग शायद 347 के करीब वैकेंसी है, तो अच्छी खासी वैकेंसी है एक्स सर्विसमैन के लिए, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं पीएच की, तो पीएच की लगभग यानी कि 60 और 62 के बीच में रह सकती है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है। अब हम बात करने वाले जो गर्ल्स पर, गर्ल्स पर हालांकि आपको बता दूँ मेरी थोड़ी कट ऑफ में अंतर देखने को मिल सकता है, जैसे कि आपको बता दूँ अगर यानी कि एक कट ऑफ लगती है तो मैं 70 बता रहा हूँ, तो आपको बता दूँ यहाँ पर एक दो मार्क्स अगर आपके ज़्यादा हैं तो फिर आप ज़्यादा बेटर फील करोगे, ठीक है, क्योंकि इतना लगभग 71 के करीब हैं तो फिर अच्छी तरीके से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि गर्ल्स में थोड़ा मुझे लग रहा है कि थोड़ी इसकी ज़्यादा जा सकती है, ठीक है। मगर और जो कुछ भी मैं कट ऑफ बता रहा हूँ उससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है, ठीक है। उससे अगर ये मैं जनरल की कट ऑफ बता रहा हूँ 71, ठीक है, अगर एक कट ऑफ लगती है तो 71 रहेगी करीब, 70 से 71, और अगर अलग अलग कट ऑफ लगती है तो लगभग जनरली कट ऑफ 71 के करीब रह सकती है, 70 के करीब भी रह सकती है, ठीक है। कोई अच्छे, कोई खराब मार्क्स नहीं है, आपको बता दूँ बहुत अच्छे मार्क्स हैं, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर कह रहे हैं कि 80 और 85 जाने वाली है, आप देख लेना रिजल्ट आएगा तब देख लेना, और लगभग मैंने बता दिया लगभग 2.5 गुना के समथिंग अभ्यर्थी डीबी में बुलाए जाएंगे, अच्छे कहाँ से बुलाए जाएंगे डीबी के अंदर, लगभग 20,000 के समथिंग, वैसे तो 18,000 के समथिंग सुनी जा रही है, मगर आपको बता दूँ 20,000 के समथिंग अभ्यर्थी डीबी के लिए बुलाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो लगभग मैंने कट ऑफ अगर आपको बता दी, आपको दिखा दिया
आपका 506, ठीक है, रेट और जो कुछ भी है और सब कुछ जो कल सुनवाई है, और कल पूरा विश्वास है कल जो कुछ भी है और हो जाए, ठीक है। क्योंकि हालांकि आपको दादू जो उज्ज्वला वाले पर बच्चों को डरासा तो हाथ लगी, मगर कुछ भी नहीं कर सकते, कोर्ट का जो निर्णय है वो मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ और रिजल्ट के बारे में बता दिया, अगर ये सारी चीज़ कल देखने को समाप्त मिल जाती है, यहाँ पर अंतिम सुनवाई हो जाती है, तो फिर रिजल्ट आपको लगभग 15 से 20 मार्च के बीच में देखने को मिल जाएगा। अगर ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो फिर रिजल्ट भी आपका आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो यही सारी चीज़ बतानी थी और जो कुछ भी था मैंने आपको बता दिया कट ऑफ को लेकर। अब मुझे नहीं लगता कोई भी आपको डाउट आएंगे, ठीक है। हालांकि आपको बता दूं कोई भी अरे की चीज़ पूछनी है तो कमेंट पूछ सकते हो, उसकी पूरा प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि कमेंट वगैरह बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो लगभग पूरा प्रयास करूँगा जवाब देने का, और जहाँ तक मेरी कोशिश रहती है प्रत्येक बच्चों को जवाब देने की, ठीक है। तो लगभग कट ऑफ वगैरह इतनी रह सकती है, और जो उन्हें नहीं लगता है, उन्हें जिन्हें नहीं लगता है कि कट ऑफ इतनी जाने वैसे ज़्यादा जाने वाली है, तो फिर रिजल्ट देखेंगे किस मतलब कितनी जाएगी, ठीक है, जिस दिन रिजल्ट आएगा। तो आज की वीडियो रखते हैं, और वीडियो आपको पसंद आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और तो आज की वीडियो रखते हैं।